सुंबल बांदीपोरा में नशा मुक्ति एवं कैरियर परामर्श कार्यक्रम आयोजित। शनिवार को डाक बंगला सुंबल में नशा मुक्ति एवं कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रहमतल लिल आलमीन एनजीओ कश्मीर द्वारा किया गया, जिसमें कश्मीर के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न स्कूलों के स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग जागरूक हुए। विभिन्न वक्ताओं ने कश्मीर घाटी में नशा बंद करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिक, समाज सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वक्ताओं ने नशीली दवाओं के उपयोग और पूरी कश्मीर घाटी में नशीली दवाओं की लत और अन्य सामाजिक बुराइयों को रोकने के महत्व पर चर्चा की। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाना और उन्हें नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना था। SDM सुंबल डॉक्टर बशीर अहमद लोन, KAS रहमतुल्लाह लिल अलमीन NGO के अध्यक्ष शेख फिरदौस अली, रूप इलाही अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमनिटी सैयद एजाज काशनी, सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना बशीर अहमद हमद बट्टू, आदिल हुसैन सामाजिक कार्यकर्ता, सैयद फयाज बुखारी सामाजिक कार्यकर्ता, सोएब हुसैन वानी सुंबल के सामाजिक कार्यकर्ता, शब्बीर अहमद भट्ट कार्यक्रम के अतिथि थे। दो कॉलेज क्लासों में सैकड़ों शराब की बोतलें मिली। अब मैं नींद करूं, सो जाऊं, क्या करूं इसके बाद? कुछ ना कुछ तो करना है ना। जब कॉलेज में शराब की बोतलें क्लासों में मिली, अब क्या उसके बाद हम क्यों बैठे? हम इधर से गाइडेंस इन लोगों को दे रहे हैं कि क्या करना है। जो हमारे बच्चे, हमने जिनको कवर किया था, जिन्होंने ड्रग्स किया था, फिर वापस आ चुके हैं, वो भी आपके सामने आएंगे और इंटरव्यू इंशाल्लाह देंगे। लेकिन बात ये है कि हमें सबको जिम्मेवार रहना पड़ेगा, हमारी बहनों बेटियों को भी जिम्मेवार रहना पड़ेगा, तभी रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन कुछ कर सकती है। कंडम करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, उसको पूरी तरफ से कहना, और मैं नहीं चाहता कि किसी जगह ऐसा। देखो, गवर्नमेंट को भी अगर कोई लाज और इज्जत की फिक्र है, चाहिए कि ऐसे चीज़ों से बाज आए, नहीं चाहिए कि शराब की दुकानें कहीं या कॉलेजों के सामने हो। देखो, मैं पहले से भी कह चुका हूँ, जब से ज़्यादा मेरी जान लेंगे, मेरी जान ले सकते हैं। रेस्पॉन्सिबल जब गवर्नमेंट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल बनेगी। जब SHO जो गुजारिश कराऊंगा उन लोगों से जो उनके नज़दीक है, इसको रोको, तभी ये नस्ल बचेगी। एक सैलाब कश्मीर में आग लग रही है पूरे काशानी साहब, जानते हैं रूप साहब, मेरे इधर घर जलते रहते हैं, पता नहीं ये भी क्या मसला है, हमेशा सिर्फ घर जलते हैं, रोज हमारे घर जलते हैं। याद रखो, कोई मुसीबत बड़ी आ सकती है, यही कहना चाहूँगा, जिम्मेवार बनो। कमेटी वाले, मस्जिद वाले, खुतबा वाले और मौलाना साहब, वो 10-10 फुट का वो लिबास पहन के कुछ नहीं होगा उसका, जब तक वो जिम्मेवारी न ले, प्रैक्टिकली ग्राउंड पर अमल न करे, ये कौम बच सकती है? फिर तारीख वही लिखेगी जो इसमें आज काम करेगा। तो पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स पे आप यहाँ पे आए और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रहमतुल्लिल आलमीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। उनका यही मुद्दा मकसद है कि यह जो ड्रग्स का अभी बड़ा मामला है, इस हवाले से एक रोकथाम भरे, लेकिन इन्होंने कोशिश भी की है। हमने ऑलरेडी जो है डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात की है, शेख फजल साहब ने कहा है कि उन तक हम ये बात पहुंचाएंगे कि जिस हवाले से एक कमेटी बनाई जाए, ताकि एक डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है वो पुलिस पर या बाकी मामला जो है समाज के सही जो अच्छे लोग हैं उन तक डाला जाए, ताकि जो है ड्रग्स का जो मामला है वो कम से कम हो सके। और इस हवाले से हमने ये गुजारिश भी की है कि जो इंतज़ामिया कमेटीज़ है, मोहल्ला कमेटीज़ है, मस्जिद कमेटीज़ है, वो भी अपना एक नुमाया किरदार जो है अदा करे, ताकि ये जो ड्रग्स का मामला है, बढ़ता हुआ रुझान जो है वो कम से कम हो सके। और इस हवाले से हम इंशाल्लाह जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिल रहे हैं, उन तक भी हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, ताकि इस हवाले से ड्रग्स पर जो है रोकथाम। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24x7।